माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीरपुर के चंद्रमणि कुमार ने किया कमाल, विश्व के सबसे बड़े चौथे ऊंचे पर्वत पर पहुंचकर लहराया तिरंगा। वैसे तो जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें एक चीज बेहद जरूरी है जिसे जुनून कहते हैं। अगर किसी इंसान में जुनून आ जाता है तो फिर वो बड़े से बड़े काम को लाख कठिनाइयों के बाद भी पूरा कर देता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है वीरपुर के लाल चंद्रमणि कुमार ने, जिनके मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने विश्व के चौथे एवं अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत की आन बान और शान तिरंगा फहराकर अपने परिवार, अपने गांव, अपने जिले एवं अपने देश का मान बढ़ाया है। जानकारी अनुसार बता दें, वीरपुर नगर पंचायत के वार्ड 8 निवासी स्वर्गीय रामचंद्र साह के पुत्र चंद्रमणि कुमार ने अपने साथियों के साथ दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। तंजानिया में अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5,895 मीटर है। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 7 दिन तक ट्रैकिंग की। वहीं माउंट किलिमंजारो पर्वत पर फतह करने के बाद चंद्रमणि कुमार ने बताया कि लक्ष्य को फतह करना उनके लिए बहुत ही जरूरी था। चढ़ाई करते समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। -20 डिग्री तापमान होने की वजह से उंगलियां पूरी तरह जम गई थी और उस समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे कदम बढ़ती रही और अपने लक्ष्य को हासिल किया। वहीं चंद्रमणि कुमार के बड़े भाई मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि वीरपुर के लाल ने पूरे विश्व में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। तंजानिया स्थित किलिमंजारो पर्वत शिखर, जो विश्व का चौथा सबसे ऊंचा शिखर है, उस पर मेरा छोटा भाई 7 दिन की चढ़ाई पूरी कर शिखर पर तिरंगा लहराया, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे के साथ उसका पूरा जत्था वहाँ पहुँचा। और सबसे बड़ी बात है कि चढ़ाई चढ़ने में सफलता हासिल की, इसके लिए मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वीरपुर का नाम, खास करके मैं साथ में बिहार का नाम उसने पूरे विश्व में ऊंचा किया, मान बढ़ाया वीरपुर का, इसके लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद।